लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पालनहार चलो उतरो। इलियो। अरे इज्जत से भैया। हाँ चलो। अच्छा भैया। ठीक है भैया। नमस्ते। अरे नमस्ते। हमारा नाम देवकीनंदन त्रिपाठी है। आइए हम आपको अपने गांव पालनहार के दर्शन करा दें। आइए। अरे वहाँ कहाँ रुक गए? लिखा 800 है लेकिन है सिर्फ 200। अरे डरिए मत कुछ नहीं होगा। ठीक है आप? ये हमारे गांव के कम अकल कुत्ते, इन्हें तो अपने और परायों का कुछ ज्ञान ही नहीं है। किसको काटना है, किसको दौड़ाना है, इनकी तो समझ में नहीं आता। चलिए आइए आपको पालनहार के दर्शन कराते हैं। रास्ता कच्चा है लेकिन इरादा पक्का रखिएगा। इस गांव की ज्योग्राफी के बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है कि उत्तर प्रदेश में है या बिहार में है। सिर्फ पोस्टल एड्रेस का कन्फ्यूजन है। खैर कहीं भी हो, हिंदुस्तान के नक्शे पे तो नजर भी नहीं आता। अरे वहाँ नहीं मिलेगा, वापस आ जाइए। और ये हमारे गांव का सबसे पहला लैंडमार्क, छंगा मल हलवाई, मिठाइयों की एकमात्र और ऐतिहासिक दुकान। और सबसे ज्यादा तारीफ इन मिठाइयों की, जो रात दिन आंधी पानी धूल मिट्टी मच्छर और मक्खी के हमलों का डट कर बहादुरी से मुकाबला करती है। एक बार ये मिठाइयाँ बन गई
और लोगों के मुंह से बच गई तो 6-8 महीने खुशी खुशी जीवित रह लेती हूँ। और बाद में फिर लड़ाई झगड़ों में पत्थर की जगह भी इस्तेमाल होती है। आइए, और ये है हमारे गाँव का विज्ञापन प्रसारण केंद्र। बवासीर का शर्तिया इलाज। बवासीर के साथ साथ भगंदर, सरदर्द, पेट दर्द, नामर्दी इत्यादि का इलाज वैद्य बचाओ जी महाराज सिर्फ एक गोली से करते हैं। पीड़ित संपर्क करें। चाचा, ये तुम्हारे लिए है। और हमारी सरकार की बड़ी ही नाइंसाफी है कि इतने सारे रोगों का इलाज एक गोली से करने वाले बचाओ महाराज का आज तक सम्मान नहीं किया। हमारा देश भी ना, आइए। और देखने लायक जो चीज है वो है इस गांव के प्राणी। जीना मुश्किल कर दिया सालों ने, जब देखो सवाल पे सवाल। पंडित जी क्या कर रहे हैं, पंडित जी क्या खा रहे हैं, पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं, पंडित जी भाभी कैसी हैं, पंडित जी घर पे कौन आया कौन गया, पंडित जी भैंसवा नहीं दिखाई दे रही। सारा सुबह जब लोटा लेकर झाड़ा फिरने निकला तो पूछने लगे, पंडित जी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है, कब तक लौटोगे। मैंने कहा खेत सींचने जा रहा हूँ। आजकल तो नेचुरल क्रियाकलाप में भी विघ्न आ रहा है। पंडित जी बातें ही समझ में नहीं आ रही कि कौन किससे क्या और क्यों कह रहा है। अबे कब से चिल्ला रहा हूँ, हमारे घर के सामने रहने वाले दूधना दुबे के बाप की बात कर रहा हूँ। साला लौंडों ने 90 साल के बूढ़े बाप को पार खटिया पे लिटा दिया। बुढ़ऊ के पास कुछ काम धंधा तो है नहीं, हमारे घर की तरफ सवालिया नजरों से देखकर सवाल पे सवाल किए जाते हैं। अरे काहे चीख पुकार मचिए, कहो। अरे यहाँ काहे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो, जा दुबे घर के सामने जाके पको। अबे बकलोल, दुबे की बीवी बिटिया और बहू के सामने चिल्लाना अच्छा लगता है का? तो का हमारे सामने चिल्लाना अच्छा लगता है का? बताना चाहूंगा, ये हमारे पूज्य पिताजी श्री संकटाप्रसाद त्रिपाठी जी 24 घंटे गैस पे बैठे रहते हैं और उबलते रहते हैं। कहीं का गुस्सा कहीं भी और किसी पे भी फूट पड़ता है। आप भीड़ लगाकर काहे खड़े हो यहाँ, नित्य कर्म करने दोगे या खड़े होकर देखोगे? पेट गुड़गुड़ा रहा है। हमारे देश की जमीन बड़ी चाहे जितनी हो लेकिन गरीबों का पेट भरने के लिए कम ही पड़ जाती है। और ये हमारे देश का एक गांव जो सदियों से गांव बने रहने के लिए मजबूर है, कितनी खुशी की बात है। और गांव वालों का मुख्य मनोरंजन एक दूसरे की टांग खींचना है। अरे चाचा कुछ चाहिए का? टांग काट रहे हो? वैसे बनाने को हमने ताजमहल से लेकर मॉल तक बना लिए हैं लेकिन 4 कमजोर पिलर पर खड़े ऐसे टूटे फूटे मकान ही हमारे देश की सही कहानी कहते हैं। और इस घर की कहानी को बढ़ाने के लिए हमारे देवकीनंदन त्रिपाठी अंदर तैयार हो रहे हैं। आज उनका रिजल्ट आने वाला है लेकिन घर वालों की उम्मीद उनसे जरा अलग है। अम्मा हम जा रहे हैं। ए देवकी भैया, गेहुआ तो हर इंतजार करते करते मुरझा गया है, कब बिसवाओगे? हम जा रहे हैं अम्मा, हम जा रहे हैं। हाँ। ए भैया देवकी, हमारे वास्ते 4 पान ले आना। ठीक है बुआ जी। अरे और कच्ची सुपारी भी। अच्छा बुआ जी। भैया अब आप जा ही रहे हो तो मेरे लिए मुल्तानी मिट्टी का पैकेट ले आना। ठीक है, ठीक है। भाई वो सरपंच के यहाँ से एनओसी लेते आना। बाबूजी चक्की कहाँ, पान की दुकान कहाँ, मुल्तानी मिट्टी की दुकान कहाँ, सरपंच जी का घर कहाँ, हमें ये सब भी तो करना है। अरे ज्यादा कानून मत छाटो, जो काम जरूरी है वो होना चाहिए, कैसे होगा इसका कोई महत्व नहीं, ये जीवन में याद रखो। जी बाबूजी। जाओ। अरे काहे चीख पुकार मचिए, का हुआ? अरे बुढ़ऊ तुम्हारा समय खत्म हो गया धरती पे, निकल लो। ठीक है। गले में छेद नहीं है का? सरपंच क्या काहे नहीं गए? अरे सरपंच जी छोड़ो, गेहूं नहीं पिसाए। अरे पान की इंतजार में तो हमारे दांत पिराए लगा और मुल्तानी मिट्टी नहीं थी इसलिए हम नहा भी नहीं पाए। अरे हम सरपंच जी क्या गए थे, वो कहीं चले गए तो हमने सोचा हम पान ले लें, तो पान वाले की दुकान बंद थी, चक्की का पट्टा टूटा हुआ था और मुल्तानी मिट्टी वाले के पास 500 का छुट्टे नहीं था। अब आप ही बताएं क्या करते हम? अरे हमें बताते, हम चले जाते। अरे वही तो बताने आए हैं हम। अरे क्या हुआ? लड़का हुआ बुढ़ऊ, खिलाने भिजवा रहे हैं। ठीक है, इंतजार कर रहे हैं। अच्छा अम्मा हम कॉलेज जा रहे हैं, आज हमारा रिजल्ट आ रहा है। अरे तो कौन सा गवर्नर जनरल बनवे करोगे, हमारा पान तो मिलवे ही नहीं किया। ये तो गजब ही हो गया देवकी के बाबूजी। ऐसी घटना पहली बार घटी है गांव में। कौन निपट गया? अच्छी बात मत निकालना मुंह से कभी, साला उम्र हो गई लेकिन तमीज कोसों दूर है,
ना ठीक से हिलते बनता है ना डुलते बनता है, जबान तो ठीक रखो। अरे हमार देवकिया टॉप किए है अपने विद्यालय में, टॉप आया समझ में? अरे तो इतनी खुशी की बात इतना सीरियसली का है बता रहे हो? लड्डू बचा रहे हो का? अरे मंगाओ चंगा की दुकान से। अबे बाबा सीर हो जाएगा पेट में। अरे हमार बिटुआ की नौकरी लगी है मुंबई में। अच्छा, वो भी मौसम विभाग में, समझे? तीन दिन बाद जा रहा है। हम उदास है इसीलिए के सन्नाटा छा जाएगा घर में और काम काज करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। हाँ भैया, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। कहाँ? मुंबई? अबे हगने तो ठीक से जा नहीं सकते हो, मुंबई जाएंगे। बेटा हमें बहुत खुशी है पर साथ ही थोड़ा दुख भी है। कोई बात नहीं, सह लेंगे। तुम तो खुश हो ना, जाओ तैयारी करो। हमारे तो जी अभी से घट रहा है। अरे हम थोड़ी ना जा रहे हैं डार्लिंग। अब देखो माँ बेटे के बीच में मत कूदा करो आप, चल बेटा तैयारी करें। अबे सब सामान एक जगह जमा हो ना। अरे देखो भैया, मुंबई तिकड़म बाजों का शहर है, समझे? लल्लू बन के मत रहना, स्मार्ट बन के रहना अपने बाप की तरह जी। और देवकी, रात को नाच गाना देखने मत जाना, वहाँ पर खूबसूरत लड़कों पर बुरी बुरी निगाहें पड़ती हैं। अरे बेटा, आम का, नींबू का, गाजर शलगम का और सुरन का अचार हम अलग अलग डब्बे में रखवा दिए। अरे अलग अलग डब्बे में का है, एक ही डिब्बे में रखवाओ ना। देवकी के बाबूजी, हम अचार के डब्बे की बात कर रहे हैं, ट्रेन की नहीं। वहाँ पे ना संभल के चलना, सुना है बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं वहाँ पे। भैया दो चार डॉल्फिन भी बना लेना। सुनो बेटा देवकी, तुम चलो हम पहुँचते हैं। सुनो बेटा, जा रेखा से मिलवा देना, सुना है बड़ी गजब की दिखती है। मुँह में दांत नहीं, जीभ देखो कैसे लपलपा रही है। ये भैया यहाँ इमोशनल सीन चल रहा, काहे फिर कर रहा तू? पैसा वैसा है? नहीं बाबूजी। कहाँ बाबूजी, घर पे काहे नहीं बोले? अरे कहा पंडित जी, यही शुरू हो गए? अरे तुम चुप रहो, हम अपना पैसा कहीं भी रख रहे। ये लो। ये भैया ट्रेन चलने लगी, चलो सामान उठाइए, चलिए चलो चलो। 50 52 आराम से आराम से। चलो ये लो पकड़ा। अरे चाचा शांति से काहे नहीं बैठते, चैन नहीं है का? चैन तो है भैया, खुल नहीं रही तीन बार। ये भी पकड़ लो भैया। अरे पकड़ो जी बाबा, पकड़ो। हाँ संभाल के जाना भाई, संभाल के रखो भैया। अरे लगता है बगल वाली ट्रेन छूट गई। अरे पंडित, बगल वाली नहीं अपनी ट्रेन छूटी है। अच्छा भैया ठीक है, जाना गिर जाते तो। कभी गिरे हैं का? क्या सेठ, टैक्सी तक छोड़ूं क्या? 250 रुपए लाएंगे। 250 रुपए यहाँ से टैक्सी तक? भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, अरे 422 रुपए में तो हम पालनहार से मुंबई आ गए। हमारी मर्जी है सेठ। अरे टैक्सी 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 प्लेटफॉर्म पे आएगी? अरे टैक्सी प्लेटफॉर्म पे नहीं, टैक्सी स्टैंड पे जाना पड़ेगा। किधर जाना, किधर है भाई साहब? वर्ली मीटर से जाएगा। यहाँ से पहली बार आया क्या मुंबई? आपसे मतलब? अरे एक घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, इतनी देर में तो पटना आ जाता। अरे जिधर बोला उधर ही छोड़ूंगा से। कमाल है, पूछता कोई है छोड़ता कोई है। भाई साहब कितना हुआ? 760 रुपए। अरे भाई साहब स्टेशन पे तो आपके दोस्त ने बोला था मीटर से जाएंगे। पूरी रेलगाड़ी का माल एक ही टैक्सी में भर के लाया हूँ। ये क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नाटक है ये? भाई साहब हमारा नाम देवकीनंदन त्रिपाठी है, हमारे यहाँ नौकरी लगी है और ये टैक्सी वाले भैया स्टेशन से यहाँ तक का 760 रुपए मांग रहे हैं। ए भैया क्या शंडी लगा रहा है, चल 100 रुपए ले और जगह हल्के कर चल। अरे भाई साहब शिफ्ट होते हैं यार, ये ऑफिस में शिफ्ट होने आया है। जी मिस्टर आरके करना कहाँ मिलेंगे? जी आरके करना आप।
कि मिस्टर आर के खन्ना सर कोई समस्या है? नहीं नहीं समस्या कोई भी नहीं है। बायोडेटा बहुत जबरदस्त है और आप भी कांग्रेचुलेशंस, यू आर इन। थैंक यू सर, मुबारक हो। थैंक यू सानिया। आपने बुलाया था सर? जी, ये है मिस्टर देवकीनंदन त्रिपाठी। नमस्ते। हमारे सुपरस्टार, आई मीन सुपरवाइजर। इनको आज ही से सब दिखा दो, कहाँ बैठना है, कैसे क्या करना है। ओके सर, आइए। ओके सर, मुबारक हो। थैंक यू सर। नमस्ते सर। थैंक यू। उफ, हिंदुस्तान का गांव कहाँ पहुंच गया भाई। सर ये है आपका वर्क स्टेशन। एक्सक्यूज मी सर, आप रहते कहाँ हैं? पालनहार। जी मैं समझी नहीं। पालनहार हमारे गांव का नाम है। सर मैं मुंबई के बारे में पूछ रही थी कि आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? जी मुंबई में तो तारक नाची, अब हंसना बंद कीजिए और बताइए इनके रहने का क्या हो सकता है? अरे हो सकता है मैडम, समझिए हो गया। जी देखिए विस्तार से बताइए, आपने हमारी समस्या का क्या हल निकाला है? सर एक्चुअली ये मैं बताता हूँ ना इनको बहन जी। देखो साईं, मेरा मकान दिलाने का धंधा है, मैं आपको ना कोई साफ सुथरी जगह देख के पेंगे सकवा देता हूँ। बस हमको टेबल या कुर्सी है आप जो हमें कहीं भी रखवा देंगे। शहर में जो भी नया आता है वो बोझ होता है ना, ऐसा मदन खचाक जी बोलता है। मैं मदन जी से बात करके ना मैं आपको अभी बताता है। आओ बहन जी, एक मिनट मेरे साथ आओ ना। मदन कौन है? अरे ये मदन खचाक, तूने क्या पुलिस को हैरान करने का ठेका लेके रखेला है? साला तेरी फ्लॉप गुंडागर्दी पे तरस खा के तेरे को खबरी का काम दिया तो तू अभी हमारी वाट लगा रहला है? साहब अपन मानता है अपन ने लाइफ में बहुत लफड़े किए, बहुत लफड़े किए, लेकिन एक इस काम नहीं किया साहब, झूठने का भी बोला। अरे तू हरीश चंद्र के खानदान का होएगा लेकिन हर बार तेरी इन्फॉर्मेशन गलत, इसको तू क्या सच बोलेगा? और वो लोखंड वाला याद है? क्या हुआ? अच्छा देख, वो मेरे लोखंड वाला की आइटम है ना, उसके लिए एक अच्छा सा बुके लेके आ। अरे अभी गया, अभी लेके आ। लोखंड वाला वाली रे। अरे मालूम है, लाल पसंद है उसको। अभी आ। ए तंबे। हाँ साहब। दो समोसा ला। ए मचा कली, मचा कली, इधर खिली उधर खिली। अरे रुको ना भाई। ये फूल के दादिया 50 रुपया। असली है नकली है? असली है, असली है। पास आता है नहीं आता है? आता है ना। बात लड़की पटेगी नहीं पटेगी? क्यों नहीं पटेगी साहब। आलू क्या भाव है? आलू तो 10 रुपए है, तू अपना भाव बोलना। बदतमीज, घर में माँ बहन नहीं है क्या तुम्हारे? अरे माँ बहन को थोड़ी छेड़ते हैं, बाहर वाले को छेड़ते हैं। अरे बलात्कार, बलात्कार हो रहा है, वो कांदे बटाटे वाला कर रहा है। अरे क्या कर रहे हो? क्यों रोका इसको तुमने? कट 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 कर रहे, ये कौन है? सॉरी 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 श्रेया जी, सॉरी। कौन बनाता रहे तुम लोग को जूनियर आर्टिस्ट? तेरे को बोला था शॉट के बीच में नहीं आना, रेप के बाद आना, पहले क्यों आ गया? लेके जाओ रे इसको, दूसरा शॉट लगाओ। हाँ वो मानता हूँ मैं, एक गलती हो गई। एक बार की गलती और वो लिंकिंग रोड। इसकी माँ की किसकी गाड़ी है रे? ये किसकी गाड़ी? ये पार्किंग वाला है तू? ऐसी गाड़ी लगाते हैं ये साले? किसकी गाड़ी? खोटे साहब की गाड़ी लगी है सामने, शान है, ऐसी लगाते हैं साले। देख खोटे साहब आ गए, देख। ले सरम, गाड़ी ऐसा पार्क करेगा ना उठा के डाल दूंगा अंदर। मंदी के जमाने में साला कोई जमानत भी नहीं देगा तेरा। सुना सुना, माफी मांग साहब से, माफी मांग साले, बड़ा साले मां। अब मैं बोलता तुम सुनो जी, पहली बात तो मैं पार्किंग वाला नहीं है, दूसरी बात मेरा ना पट्टा भी राम कृष्ण मूर्ति आयंगर है,
मैं म्युनिसिपल कमिश्नर है। खोटे, मैं तुम्हारा कंप्लेंट तुम्हारा कमिश्नर से करता। आई मेक श्योर तुम्हारा ये वर्दी अभी का भी यही का यही उतरवा देगा। नहीं, नहीं नहीं, मेरा गलती हो गया था, गलती क्या। हाँ वो दूसरी गलती भी हो गई, लेकिन मैं, अरे लेकिन वो साले की शक्ल देख के नहीं लगा कि वो कमिश्नर होगा साहब, आपको भी नहीं लगा था ना। सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ। और अब तू ये देवी जैसी लड़कियों को मसाज वाली बोलता है? साले तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जरा ध्यान से देख, इसमें तुझे कोई सीता कोई सावित्री वो नजर नहीं आ रही है, मसाली नजर आ रही है। उनका नाम भी मालूम। अब क्या करूँ साहब, घटना सुनने में कुछ आती है लेकिन आपके पास पहुँचते पहुँचते अपने आप ही पलटी मार जाती, तो मैं भी साला फंस जाता। देख रहे, आज के बाद वो ही घटना घटेगा जो तू बताएगा, और कुछ उल्टा घटाना तो तू घटना बन जाएगा, समझा? बनकर साला, दिल तो बाद में टूटेगा, पहले फोन टूटेगा और फिर तू टूटेगा इन शरीफ लड़कियों को बदनाम करने के चक्कर में। हाँ कौन है बोल। अचानक भाई, किधर है, कर रहे हैं आप? अरे आपने लोंडा ढूंढने के लिए बोला था ना, चार लोंडा ढूंढ के आया, एकदम मस्त चकास है लोंडा। ये मुंह संभाल के बात कर, मेरा फोन स्पीकर पे जाता है। तुम्हारे वास्ते संभाल के रखा है साई। अरे खाना वाना भी बना लेता है, लेके जाओ ऐश करो, एकदम खुश रखेगा साई। ये फोन रख, तेरे से बाद में मिलता हूँ। बाद में मिलेगा कोई। अभी लौंडेबाजी में बिजी है इसलिए लड़कियां तुझे निकम्मी नजर आ रही है। देख बेटा, आज के बाद अगर तू इस एरिया में दिखा ना तो तुझे मैं लौंडा बना के छोड़ूंगा। किधर रह गया यार ये तू? जी हा? जी आए क्या भाई साहब? अरे शांति रखो भैया, ट्रैफिक है, टाइम लगता है। हलवा है क्या? जी हलवा नहीं, अचार है। हलवा दो दिन में खराब हो जाता है तो इसलिए माँ ने नहीं भेजा। अरे हलवा बोले तो मैं मजाक कर रहा था। अच्छा। अरे हिंदी तो बराबर बोलो यार, हिंदुस्तान में रहते हो। छी, अरे आ गया, आ गया, आ गया। आओ साई आओ, बड़ा टाइम लगा दिया साई। कर दूंगा तेरे को लाफा में। क्या रे तू फोन पे पटर पटर लौंडा लौंडा कर रहा था? इम्पोर्टेंट मीटिंग में भाई बैठेला था साले, तेरे को तो मैंने भाई गलती हो गया, मैं माफी चाहता है। क्या है कि मैं इतना खुश हो गया था इसलिए मैं आपको न्यूज दे रहा था। देखो मैं आपके लिए कौन लेके आया हूँ, देव की भैया। अच्छा अच्छा, मुंबई में नया लाइक जी, साफ साफ कहिए, हमें समझ नहीं आया। ए चिलगुजे चाणे भाई, ऐसे ही बात करता है समझे? जी हमारा नाम देवकीनंदन त्रिपाठी है, चिलगोजा नहीं। क्या है जी? देवकीनंदन त्रिपाठी। भाई क्या हो गया भाई? अबे हटे ले ले, दो तीन नाम एक साथ रखे ले, नाम की रेलगाड़ी बना डाली ली। खाली पिन कोड और पोस्ट बॉक्स नंबर लिखना बाकी है भाई। जी आप लोग कभी स्कूल नहीं गए क्या? ए शाने, भाई ने यूनिवर्सिटी टॉप किया लाए, समझे ना? जी आपका क्या नाम है? मदन खचाक। एड़े ऐसा दांत क्या दिखा रहे ला रहे? ए तारक, इसको अपने नाम का रेपुटेशन नहीं बोला क्या? भाई कौन है भाई? वो शेक्सपियर था ना? जी 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 जी, शेक्सपियर नहीं, शेक्सपियर। अरे वही नाम में क्या रखा है? अरे छोड़ना, इससे क्या मचमच कर रहा है शाने, तेरे को खाना वाना बनाना आता है क्या? भाई इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी में क्यों जा रहे हैं? आपको माल पसंद है लेके जाओ, वापरो, नहीं पसंद है मेरे को वापस लेके जाओ। हाँ बाप रे बाप, लगता ही नहीं कि एक ही देश के लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये चल सामान उठा, चल बहुत बोलता है शाने। सब कहाँ गुफा में ले जा रहे हो आप? अबे ताजमहल ढूंढ रहा था क्या बे? हट, हटे दादा, दादा अभी लिफ्ट की मरम्मत हो रही है, आप सीढ़ी से जाइए ऊपर, आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा। तेरी माँ की, तेरे लिफ्ट को तोड़ ही डालता हूँ बे साले, हर दूसरे दिन टांग उठा के मुतने लगती। आता हूँ तेरे को बताता हूँ सुने। भाई साहब कहाँ हिमालय पे घर ले लिए हो आप?
अबे सी व्यू के चक्कर में कब जा किया था बे, आज तो हिमालय से भी ऊपर लग रहा है बे। अभी चल चल, बहुत चाट मत तू। अबे अबे क्या है, हाईवे दिख रहा हूँ क्या, ऊपर से चढ़ के जाएगा क्या? कवर में चलने का तो बिल्डिंग में चल रहा है, चल। भाई साहब आप रहने दीजिए, आपकी एज हो गई है तो बहुत मारूंगा, बहुत मारूंगा तेरे को। मुलुक से आता है लोहा पत्थर भर के डब्बे में उठाने बोलता है, और एज किसको बोल रहा है बे, तेरे से तो फ्रेश हूं मैं शाने। चल तो, अरे भाई साहब, भाई साहब भाई साहब, ये बल्ब यहाँ क्यों रखा था? सोसाइटी वाले चोरी कर लेते। चोरों की सोसाइटी है? तू तो शाने ऐसा बोल रहा है जैसे तेरे गांव में सब पुलिस वाले रहते हैं। और सुन बे, तू इतना पकाता काय को बे, सामने वाले को चाट डालता है बे तू। अभी कुछ भी बोला ना, एक सवाल भी पूछा ना, इधर ही गाड़ डालूंगा तेरे को। हाँ, बदन की माँ की आंखों के लिए साले चढ़ते चढ़ते ऊपर। अभी तो अंदर चल और खाना बना मेरे लिए, इज्जत से बोल देता हूँ तेरे को। साले पता नहीं क्या क्या सामान भर के आते तारक को ना आज तो। बदन की भाई साहब कितना गंदा है, कैसे रहते थे आप? कुत्ता भी जहाँ बैठता है झाड़ तो लेता है। ए देड़, ये चुपचाप सफाई करेगा कि तू अपने को जली कटी सुनाएगा? हाँ, वैसे भी शाने टाइम किसके पास है आजकल? अरे माँ के हाथ का खाना रे खाना, पूरी और भाजी, माय गॉड टू मच। अरे हम तो पागल ही हो गए। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप? तेरी माँ की क्या कर रहा है? अरे माँ के हाथ का खाना है लेकिन तीन दिन के सफर में खराब हो गया होगा, आपको फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आप मर जाएंगे। ये देखिए आप। अबे साले इधर आ, क्या प्लान करके आया था तू? खाने के बाद बोल रहा है इसमें फूड पॉइजन है, मैं मरूं? अबे हट तो, हट हट। भाई साहब आप भी अजीब आदमी है, जरा पूछ तो लेते, देख तो लेते कि सब्जी पुरानी है क्या है। अबे साले फेंक डाल ये सब जहर लेके घूम रहा, फेंक तेरा टीम के मारा तेरा लाचार दे वो फेंक दो। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए, बड़े उत्तेजित हो जाते हैं आप। ये अचार 5 साल चलता है, आपकी गारंटी हो ना हो इसकी पूरी गारंटी है। सब्जी है जो खराब हुई थी, आप आराम कीजिए, मैं जरा नीचे होके आता हूँ। अम्मा बाबूजी आज मेरे फोन का इंतजार कर रहे होंगे, मैं बात करके आता हूँ। वेरी गुड आइडिया, तू नीचे जा अपनी माँ को फोन करने के लिए ना, और तेरी माँ की पूरी खा के मैं ऊपर जाऊँ। जी बहुत अच्छे, बहुत। अबे तू मेरे को अकेला छोड़ के कहाँ जा रहा है? तेरी पूरी खा के साला चक्कर आ रहे लिए ऊपर गया मैं तो। तेरी माँ को फोन करना है ना? जी हाँ, तू मेरे मोबाइल से फोन कर शाने, और बता कि तू कितना परेशान कर रहा है फोन को। नंबर बोल चल। 0586-88-64-43। ट्रैक्टर का नंबर नहीं शाने, तेरा। ए टपरी तो नहीं समझ रहा तू मेरे को? हाँ, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में बोल, चल बोल इंग्लिश में। सॉरी भाई साहब आपको देखकर भूल जाता हूँ, आप अंग्रेज हैं। 0586-88-64-43। हेलो हेलो अम्मा, अम्मा हम देवकी बोल रहे हैं। अरे देवकी बेटा ठीक से पहुँच गए ना? एकदम ठीक ठाक अम्मा, खाना भी बहुत बढ़िया था। थोड़ा सा बाकी हो गया था, मदन भैया भी खाए। हमें डर है रात को इन्हें कुछ हो हवा ना जाए। प्रिपेयर्ड है अम्मा। हेलो ए, ए। और अम्मा जब हम वीटी स्टेशन पर उतरे ना तो कूली पूरे 250 रुपए मांगत रहा। अरे बाप रे, तुम दिए तो नहीं ना? अरे अरे नहीं अम्मा, इतना तो आप लोगों से सीखे गए हैं। ए शाने काटना। अरे यह पूछो रेखा से मुलाकात भाई की नहीं? अरे रुको ना रेखा, कहीं नहीं भाग रही। अबे खजूर। हाँ भैया, ये लेन देन का क्या मामला है? अरे कुछ नहीं बाबूजी, जब हम स्टेशन पे उतरे ना तो कूली ज्यादा होशियारी मार रहा था। अरे ध्यान रखना भैया, चोर उचक्कों का शहर है। अरे बाबूजी मदन भाई साहब भी यही कह रहे थे, सोसाइटी वाले बल्ब चुरा लेते हैं। ये मदन कौन है? अरे इन्हीं के साथ तो हम रह रहे हैं। थोड़े गंदे तरीके से जरूर रहते हैं लेकिन
आदमी ठीक लग रहे। मेरा डिस्कशन छोड़ दे, फोन काट। देखो जांच लेना, पता चला साला वो भी चोर चक्का निकला। हेलो 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 बाबूजी, हेलो 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 हेलो। अरे क्या हुआ? कट गया। कट गया भाई साहब, ये टूटू क्या कर रहा है? 50 रुपए का कली रिचार्ज भरा था, वाट लगा दी तूने उसकी, इसीलिए टू 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 करा था, और कुछ भाई साहब? वाट का मतलब? वाट का मतलब? अरे भाई साहब समझ गया। छे आ गई मुंबई के सागर में गांव की नैया, पर इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है भैया। आ गई मुंबई के सागर में गांव की नैया, पर इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है भैया। महंगा पड़ गया सपने बुनना, महंगा पड़ गया सपने बुनना। नागर के नागाट के मुन्ना, नागर के नागाट के मुन्ना, नागर के नागाट के मुन्ना। नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवा। नमो भगवते वासुदेवा, बदली है आबो हवा, बदल गए हैं नजारे। ये सिग्नल ये लोकल दोस्त ने है तुम्हारे। ना ज्यादा सुनना ना ज्यादा बोलना, आने दे हवा तू कमले सांस भी प्यारे। महंगा पड़ गया सपने बुनना, महंगा पड़ गया सपने बुनना। नागर के नागाट के मुन्ना, नागर के नागाट के मुन्ना। हरे हरे नोट, टैक्सियां काली पीली, टेक्निकलर है ये शहर, बात है इसकी रंगीली। लेकिन खुशियों का कलर है कौन सा, तू पहचाने ये तो बस फिर जिंदगी जी ली। महंगा पड़ गया सपने बुनना, महंगा पड़ गया सपने बुनना। नागर के नागाट के मुन्ना, नागर के नागाट के मुन्ना। आ गए मुंबई के सागर में गांव की नैया, पर इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है भैया। महंगा पड़ गया सपने बुनना, महंगा पड़ गया सपने बुनना। नागर के नागाट के मुन्ना, नागर के नागाट के मुन्ना। अरे मुन्ना ना घर के ना घाट के मुन्ना। नो 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 केतकी, सबसे पहले विशाखापट्टनम से उनका फैक्स आने दो, उसके बाद देखेंगे। ओके सर। एंड पुट इट ऑन माय टेबल। देव की एंजॉयिंग जी? एकदम ठीक। गुड सर, बस थोड़ी सी गांव की याद आती है। गांव की याद आती है जी सर।
चले जाओ, कल से 10 दिन की छुट्टी गणपति की। एक सेकंड सर, सर हाउ आर यू सर, सर 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 सिर्फ गणपति की छुट्टी है या हम सबकी भी छुट्टी है? उफ, देखो मैं हमारे चपरासी गणपत की बात नहीं कर रहा हूँ, गणपति का फेस्टिवल है, भगवान गणेश सब जा रहे हैं, तुम भी जाओ अपने गांव। जाओ सर। हाँ छुट्टी 10 दिन। थैंक यू सर, थैंक यू। जाओ भाई जाओ देवकी। उफ, बड़ो मैन। अरे कितना सामान लाए हो हैं? और एक बात बताओ, इस दुबला कहाँ गए हो? अरे भैया ऑफिस तुम जाओ, खाना तुम पकाओ, झाड़ू पोछा तुम करो, पानी तुम भरो। अरे अम्मा लेकिन हम ये सारे काम यहाँ भी तो करते थे, तब प्रॉब्लम नहीं थी। अरे घर का काम बोझ नहीं होता, कहीं और करो तो नौकर का दर्जा मिलता है। लो भाई हो गया फैसला, 100 बातों की 1 बात, तुम्हारी शादी पक्की। अरे लेकिन बाबूजी कैसे? लेकिन लेकिन कुछ नहीं भैया, हम जो कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। बस शादी की तैयारी करो, मन बना लो। हाँ। चलो आ जाओ। चल आ जाओ। अरे बुआ जी कह रखी? ओहा रखो, खोपड़ी पे रखोगी का? अबे मुंह फुलाए काहे खड़े हो हैं? खुशी की बात है, परसों तुम्हारी शादी है। बाबूजी लेकिन हमें जाना है, हमारा ऑफिस खुलने वाला है। अबे ढपोर संख, ऑफिस तो जिंदगी भर चलता रहेगा, शादी ब्याह तो सिर्फ एक ही बार होता है। वो वहाँ रहेगी, खिलाएगी पिलाएगी, तुम ठीक रहोगे। बाबूजी लेकिन हम जानते भी नहीं हमारी किससे शादी हो रही है, कौन है वो? चल मेरे साथ, भला बचपन से देखता आ रहा है। ये देख ऐसी है तुम्हारी दुल्हन, गाय जैसी, साला ब्लडी फूल, बाप पे डाउटफुल। कजरारे कजरारे तेरे कारे। अम्मा अम्मा ये सब कहाँ हो रहा है? बाबूजी से बिया के बारे में पूछा तो गैया दिखा दी। तो कहाँ गलत किए? मिथिलेश वादव बिल्कुल गैया है, गैया। मिथिलेश? हाँ हाँ, कितना सुंदर नाम है, राजा जनक की राजधानी मिथिला के ऊपर से रखा गया है। दुबे जी की बेटी, उसकी तो नाक बहती थी। वो तो बचपन में बहती थी, अब तो नानी के यहाँ रह के 10वीं तक पढ़ ली है। खाना गाना सिलाई कढ़ाई सब में बहुत होशियार है। अब तुम परेशान मत करो हमें, जाके तैयारी करो जा। तेरे नैना, तेरे नैना, तेरे नैना। अरे कपड़ा हमारा बदल दिए। हाँ। साला कच्छा बदलने नहीं किए। अरे अब 90 साल की उम्र में कच्छा पहनने की जरूरत नहीं है। लाली की अम्मा को कह दिया था ना। चंगा माल जी, पुरानी मिठाइयाँ नई मिठाइयों में मिलना जाए, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अरे बाबूजी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, जौन हमारी मिठाई खाई 6 महीना ना भूली। अरे कुछ शुरू हुआ? पहला गुलाब जामुन इनके मुंह में ठूसना, नहीं तो सायरन बंद नहीं होगा। कौनो चिंता मत कीजिए बाबूजी। चूके लगा दूं अगन बाबरे, सजन बाबरे, सजन बाबरे, क्या लुगाई में ढूंढे सजन बाबरे, देख चूके लगा दूं अगन बाबरे।
कहाँ खोया मेरे बदन पे शरारा था कमरिया का तिल जुल्मी अभी कवारा था आए जाने कहाँ खोया मेरे बदन पे शरारा था कमरिया का तिल जुल्मी अभी कवारा था आके मेरी कमरिया का तिल ढूंढ ले मेरे लहंगे की सिलपट में दिल ढूंढ ले दिल रुबाई में कहाँ मुझसे मिलेगी दुल्हन बाबरे सजन बाबरे सजन बाबरे दिल रुबाई में बीते सावन बाबरे कहाँ मुझसे मिलेगी दुल्हन बाबरे है। अरे दत्तू जल्दी बत्तियां जला रे अरे हाँ कर रहे हैं कर रहे हैं अरे छंगा जल्दी कर रहे नचवा बंद हो गया अरे कर तो रहे हैं अरे का ऐसे ऐसे करे तो हुई अरे स्टार्ट ही नहीं होता ससुर का करी मोहे अंग लगा ले तेरे सब गम भुला दूं मैं घोड़ी चढ़ा है तुझे रॉकेट चढ़ा दूं मैं लगा ले तेरे सब गम भुला दूं मैं घोड़ी चढ़ा है तुझे रॉकेट चढ़ा दूं मैं माना कि अमेरिका में परमाणु बम है क्या बटन मेरी चोली का उससे कम है क्यों सगाई में हाय रामा क्यों सगाई में अटकाए मन बाबरे तुझको दूंगी निशानी बटन बाबरे सजन हो तो सगाई में अटकाए मन बाबरे तुझको दूंगी निशानी बटन बाबरे चंदनी चौके तन को पिघलने लगे हाय ओढ़ने ओढ़ तो वो फिसलने लगे क्या लुगाई में है क्या लुगाई में ढूंढे सजन बाबरे देखो छूके लगा दो अगन बाबरे सजन बाबरे सजन बाबरे क्या लुगाई में ढूंढे सजन बाबरे देखो छूके लगा दो अगन बाबरे तरफ का पंडित कहाँ मर गया अरे पंडित वहाँ का हमेशा अरे वो आ रहा है अरे कहाँ बताए भैया बहुत परेशानी हुई बैठो अरे बैठो बैठो जल्दी जल्दी शादी शुरू करवाते हैं शुरू कर लड़के के बाबूजी 101 रुपया चढ़ाइए ए लो कार्यक्रम अरे आज तो पैसा बाहर रख लेते कन्या को बुलाइए तुम शांति के साथ क्यों नहीं बैठते अरे शांति के साथ कहाँ बैठेगा शांति छंगा की बीवी है ये मिथिलेश के साथ बैठेगा इसकी बीवी का नाम मिथिलेश है अरे भैया जिसके साथ बैठाना है बैठाओ पर बैठो तो सही अरे बैठ जा बेटा बैठ जा नानांत गणपति गवामहे निधि नानांत निधिपति गवामहे तदस्तमे मुहु नैनों में सपना सपनों में सजने सजन पे दिल आ गया के सजन पे दिल आ गया मांग में सिंदूर भरी अब
गई। अरे भैया फेरवा तो पूरा हो जाने दो। ये सब ले जाओ और भीतर रखवा दो। जा। अरे सुनो जी, देवकी कहाँ है? हमें तो लगा वो सो रहे। अरे काहे, अभी राजकुमार साहब को देर नहीं हो रही मुंबई जाने में। देवके, ए देवके। ए देवके। अरे आ रहे हैं बाबूजी, आ रहे हैं सूर्य नमस्कार करके। लो सूरज सर पे आ गया, अभी सूर्य नमस्कार कर रहा है। अपलोड कहीं का देवके के बाबूजी भी ना। घट की आड़ से दिल भर का मुंबई जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कोई ना कोई तो है दूसरा। अरे पंडित जी चल दिए काम पर सुबह सुबह। अरे तुहार समस्या क्या है? अरे पढ़ो ये कहा लिखा है। कहा है? अरे तुहरे घर से आया है। सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, दिल दिया दिलदार को घायल बना दिया। मेरी प्यारी प्यारी मिथिलेश, जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें, कितने हैं बेचैन। लेकिन मेरी ये बेचैनी मेरा बाप संकटा और तुम्हारा बाप दुबे कभी नहीं समझ सकता। अरे पंडित जरा जोर से पढ़ो। अब तो बस यही कहना है कि तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। लालटेन की रोशनी में तुम दिल तक तो पहुँच गयी, अब सिर्फ मुंबई तक की दूरी तय कर लो। ढेर सारा प्यार और ढेर सारी। कहा लिखा है? अरे बिजली का बिल है। अरे यहाँ गांव में लाइट तो है ही नहीं, बिजली का बिल कहाँ से आया? शादी? यू आई कांट बिलीव इट। अरे एक दिन में शादी? आप लोग ये लाइफ कैसे प्लान कर लेते हो? सर हमारी लाइफ हम नहीं, हमारे माँ बाप प्लान करते हैं। हाँ दैट्स अ गुड वन। सर 18 साल की उम्र में हम अपने देश की सरकार तो चुन सकते हैं लेकिन अपना जीवन साथी नहीं। वेल सेड, वेल सेड। अच्छा तो वाइफ को साथ लाए हो? नहीं सर, वो तो माँ बाप के साथ है। माँ? तो फिर शादी क्यों की? सर वो खरवास चल रहा है ना। आई एम सॉरी, खरवास? तुम्हारी वाइफ को खरवास हो गया है? सैड सैड सैड। अरे ध्यान रखा करो अपनी पत्नी का यार, आड़ा टेढ़ा पानी मत दो। यू डू वन थिंग, डॉक्टर जिगीश है उसका मैं कार्ड देता हूँ, आप वहाँ चले जाओ वाइफ को लेकर। सर खरवास कोई बीमारी नहीं है सर, ये तो एक रिचुअल है हमारे धर्म का। आई सी, खर मैं सोचा खरवास कोई एडवांस स्टेज की बीमारी होगी। खरवास ठीक, जो जो जी में आए वो करो भाई साहब। ठीक प्लीज। ओह देवकीनंदन त्रिपाठी ग्रेट मैन। अबे कौन सी सेंचुरी में जी रहे ले तुम लोग? बाप रे बाप, तूने अपनी बीवी की शक्ल देखा नहीं? हाँ शादी के बाद को मिला नहीं? अरे मेरे बाप, ये तो तब भी नहीं होता था जब उनका भारत मान था। तू कौन सी दुनिया कह रहे? देख देख देख, तूने लेटर अपनी बीवी को लिखा ना? अब तो प्रॉब्लम तभी होती जब तू किसी दूसरे की बीवी को लिखता ना। अरे भाई साहब तो इसमें इतना हैरान होने की क्या बात है, ये तो सदियों का कल्चर है। घंटे का सदियों का, घंटे का सदियों। ये जितने अपने बुजुर्गों के नाम उठे लोग करके, ये सब लोग बहुत शाणे। ये लोग का तरीका है लौंडों को लगा उनके हाथ में रखने का, लंगोट टाइट। नहीं समझा? अरे तू तब बोला क्यों रे, बोला क्यों? हाँ समझाता हूँ मेरे।
दो तीन चार पाँच। अरे हाथ तो लगा दे भैया। अरे लगा रहे ना अंकल। अंकल अंकल तुम्हारा चचा तेरा ही था ना। हाँ कितना पैसा हुआ? 14। एक मिनट 16। मीटर जो बोलेगा वो बोलेगा अपन। मीटर क्या बोला? 760 रुपया। 760? अबे लूट मची है का? मीटर बोला अपन नहीं। विक्रम बाजों का शहर है। देखी के मैं जरा मुंह उधर करो। देखिए बाबूजी को इतनी बार कहे कि पैसे कच्चे में ना रखे, सुन भी नहीं करते। ये अंकल क्या कर रहे है? साले सब लोग मिले हुए लगता है। 377 का केस लगता है अंकल। ए क्या कर रहे हो? पैसे दो मेरे। अबे निकाल रहा हूँ, सफर करो। ए अंकल अपुन ऐसा नहीं है। अंकल क्या कर रहा है प्लीज? ए गलत समझ रहे हो अंकल प्लीज। ये लो 5 6 और ये 7। जमाना खराब है भैया। अजीब एटीएम मशीन है। अबे खोलो। अबे कौन है बे शाने? तुम्हारा बाप। मदन खचक, एक दिन तेरे बाप को तेरे घर पे लेके आऊंगा, ध्यान रख, देख लेना तू। खोलो खोलो। लगता है वो शाना किसी बाप को लेके आया है। लो इबत्ती को कहा हुई गवाह। अबे देव की मदन जल्दी दरवाजा खोलो। अरे इसकी माँ का पूरी इंक्वायरी निकाल के आयला। इसको माने कि देवकी भी इधर ही चला लेला। आज सुबह ही डालता उसको। ए देवकी 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 अबे उठना कफड़ा हो। ये देवकी देवकी ए देवकी अरे उठना। ये देवकी उठ रहे हो? उठ उठना लफड़ा हो गया। मोमबत्ती लेके आ चल चल। भाई साहब लफड़े का पंखे से क्या मतलब? पंखा तो ऑन कर दो। सब ये लीजिए। अरे थी अरे हट हट हट। एक शाना अपने बड़े भाई को लेके आयला है। शाना मतलब? अरे शाना मतलब बाद में बताऊंगा, लफड़ा होने वाला है। लफड़ा समझ गया ना? तू खाली हल्के से दरवाजा खोल, मैं तेरे पीछे हूं। और सुन घबरने का नहीं, इधर देख, इधर देख, घबरने का नहीं, खोल मैं पीछे हूं। बस घुसड़ी डालता हूं। अच्छा खोल, ध्यान दो। अरे माँ नहीं बाबूजी है। ये साला चक्कू कहीं लग लगा जाता तो? बाबूजी हमें तो लगा कोई चोर उचक्का है। अबे चोर उचक्का तो ये है। नहीं नहीं बाबूजी ये ऐसे आदमी नहीं है, ये बड़े भले आदमी है। हाँ हाँ वो तो देखे के पता चल रहा है कि कितने भले आदमी है। अबे क्या है तेरा खानदान? बाबूजी ऐसे अचानक कैसे? बता दिए होते तो हम स्टेशन आ जाते। बता देते तो तुम लोगों की बोल पट्टी कैसे खुलती? बाकी बातें बाद में, पहले चाय पी लीजिए। कोयल सी तेरी बोली। अरे भाभी क्या बात है, क्या रबजिक चाय बने लिया? चाय नीचे रख। रिश्ते में तुम इसके जेठ लगते हो। हाँ तो? तो रिश्ते में ये तुम्हारी बहू है, भाभी नहीं। हाँ ये भाऊजी एक लिस्टिज बना के दे डालो ना, इसको क्या बोलना है मेरे को मालूम पड़ जाए। पर भैया हमको समझ ही नहीं आ रहा कि तुमका ज्यादा बोलने की जरूरत ही का है। और का? अबे तू किधर पैदा हो गया? भाई साहब भाई साहब Thank you.
अरे देवकी, 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 अबे देवकी, हाँ, अबे ससुराल सोना नरक हो गया है, ये कब तक बजेगा भोपू, बंद होगा कि नहीं? बाबूजी ये कनवा में डाल लो। अरे ये हमार कनवा के लिए नहीं है बकलोल, इका भुचाक के मुंह में ठूस दे। भचाक नहीं बाबूजी, खचाक। अबे खचाक भचाक जो भी है साला, पता नहीं कैसा कैसा नाम रख लेते हैं साला, मनुष्य की जात तक का पता नहीं चलता। एजी चाय। एजी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी। क्या हुआ जी, पागलों की तरह काहे भटक रहे हैं? कहाँ गए सब लोग? अम्मा जी बाबू जी मंदिर ढूंढने गए हैं, छुटकी पूजा के फूल लेने गए हैं, और भचाक भैया नीचे। भचाक नहीं, खचाक। हाँ वही, वो नीचे गाड़ी धो रहे हैं। ए जी, ओ जी, ए जी, ओ जी। भगवान बचा ले। देवकी, खोलो। अबे खोलो। अबे हट, पीछे निकल जाएगी। अच्छा, चल जल्दी करो। कौन है अंदर? कोई नहीं बाबूजी। अंदर कौन है? कोई भी नहीं, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अम्मा हुआ क्या है? का बताएं भैया, मंदिर तो मिलबे नहीं किया और अचानक रास्ते में इनको लग गई, ऑटो पकड़ के घर आना पड़ा। अब ओके पास 50 रुपए का छुट्टे ही नहीं। बाबूजी कहें कि 135 रुपए का पायजामा खराब हो जाएगा, तो 14 रुपए की जगह 50 रुपया लेके गया दूध पोंगड़ा। ओहो चलो अम्मा छोड़ो, अब छोड़ तो दिए हैं। अबे तेरी फैमिली कैसी है बे, इतना बड़ा एटम बॉम्ब की माँ का, और तेरा वो बाप? भाई साहब बाप नहीं, बाबूजी। अबे वैष्णव चलना, टोटालिटी मैं बोलता हूँ, संकटाप्रसाद की पार्टी। अबे तू तो एक बात बता, ये फैमिली को कैसे झेल रहा है? तेरे को तो परमवीर चक्कर मिलना चाहिए इतना बड़ा वाला। ए भाई तेरे को इसने पैदा किया ना बुड्ढे ने? हाँ भाई साहब। तू लिख के ले ले, मदन खचाक के जवान है ये बुड्ढा, ही तेरी जान लेगा। भाई साहब ये सब बातें छोड़िए ना, जरा मिथिलेश जी और हमारे मिलने की कोई व्यवस्था कीजिए ना, बड़ी बेचैनी हो रही है। छोकरा जवान हो गया, कोई बात नहीं, तेरी बात समझ गया। मुंबई का एक सॉलिड मंदिर दिखाता हूँ बुड्ढे को, अभी तो देखना। हाँ बाबूजी ये देखो हिस्टोरिकल पैलेस, बोले तो मोहब्बत की निशानी, मुंबई वाले को बहुत काम आ रहे ना भाई। अकबर भी इधर आता था, बिरबल भी इधर आता था आइटम लेके, सलमान शाहरुख तो रोज इधर ही शाम को। अरे तुम तो हमें मंदिर ले जाने वाले थे। अरे बाबूजी क्या तुम भी ना, पहले मोहब्बत का तो मंदिर देख लो। ए, ए हीरो को पत्थर मार के डिस्टर्ब कर रहा है, अपना काम करना। अरे लगे रहना, ऐसा ही दवा खा रहे थे। इस गंदगी को तुम मोहब्बत का दर्जा दे रहे हो? अरे देवकी और मिथिलेश को देखो, सभ्यता उसे कहते हैं। ये क्या कर रहे हैं जी? अरे मुंह तो दिखा दो, कंडा खुल जाए तब। वाह सारी रुकावट बस हमारे लिए, पति भी तो आप ही हैं। अब ये गंडा कब खुलेगा? कुछ दिन तो इंतजार करना होगा। ठीक है तब तक हम प्रभु के ही गुणगान गा लेते हैं। अरे क्या बाबूजी, लोग गोलियां चला के मार रहे एक दूसरे को, वो चलेगा तुमको? इधर मोहब्बत करेंगे वो नहीं चलेगा। अरे जो काम समाज की मर्यादा के अनुकूल नहीं है वो गलत है। ये बाबूजी क्या तुम टीचर है क्या? क्या की दुनिया को सुधारने का ठेका तुमने इसलिए लाया क्या? ये तू तड़ाक करना जाहिलपन की निशानी है, बात करने की तमीज नहीं। चलो देवकी की अम्मा चलो। अरे कहाँ जा रहे ले, इतना मुसीबत से तो इधर लेके आ, पूरे मुंबई में पहले लोग पत्थर ही देखने आते हैं। अरे इधर लेके आ लाओ तो। ए भाऊजी आराम से देख के तो जाओ। Thank you.
हो। हटो जी जाओ रहने दो, जरा जा करके मुंह धो लो, खटा बन करके छा जाए, खटा बन करके छा जाए, कहीं बाबू जी ना जाए। अगर हम तुमको छेड़े तो क्या रूठोगे हमसे बोलो, हटो जी जाओ रहने दो, जरा जा करके मुंह धो लो, खटा बन करके छा जाए, खटा बन करके छा जाए, कहीं बाबू जी ना जाए। अगर हम तुमको छेड़े तो क्या रूठोगे हमसे बोलो। जाने मन मौका मिला है, देखो क्या मौसम खिला है, मी है यू है और जुहू है, दे दो दिल। ये कैसी रट लगी है, क्या दिन में भंग भी है, आ चलो जी घर, चलो जी घर के बिल। चलो फिर रावण में गाए, क्यों चलो फिर रावण में गाए, पुलिस वाले ना ले जाए। अगर हम तुमको छेड़े तो क्या रूठोगे हमसे बोलो। नहीं है यहाँ का सिस्टम यही है, माय डियर जी कम नियर मी इन द रेन। उछलो ना बेशरम से, मानो कहना कसम से, हाथ छोड़ो जल्दी दौड़ो आई ट्रेन। राज और सिमरन बन जाए, क्यों राज और सिमरन बन जाए, लास्ट लोकल ना निकल जाए। छेड़े तो क्या रूठोगे हमसे बोलो, हटो जी जाओ रहने दो, जरा जा करके मुंह धो लो, खटा बन करके छा जाए, खटा बन करके छा जाए, कहीं बाबू जी ना जाए। अगर हम तुमको छेड़े तो क्या रूठोगे हमसे बोलो। अरे तुम काहे झूल रहे हो? अबे चालू किधर बिजली चला रही है? पाऊजी जरा वो धक्का का धक्का मार। जब की गई अम्मा छुट गई, उतरो। अच्छा जी बाबू। हाँ पाऊजी जरा जोर से, एक टेक में निकलना चाहिए। अरे बाबूजी धक्के का क्या हुआ, मारो ना। एक मिनट रुको, बाड़ में जाओ तुम और चूल्हे में जाए तो हर गाड़ी। चलो भैया। ए बाबूजी ए ए मुंबई भ्रमण, गंदगी भरी हुई है शहर में। खोलो। क्या हुआ बाबूजी? कहाँ शहर है, सभ्यता नाम की चीजें नहीं है। ससुरा जहाँ नजर दौड़ाओ बदतमीजी दिखाई देती है। और सबसे बड़ा बदतमीजी मदन खचकवा है, जाने कहाँ कहाँ ले जाके गाका दिखाई दी। राम 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 राम। अरे बाबूजी क्या हुआ, मंदिर देखने गए थे ना आप? तुम बकवास बंद करो, राक्षसों के बीच में मंदिर कहाँ से होगा। हम लोग वापस जा रहे हैं, चलो बहू तैयारी करो। अरे बाबूजी हुआ क्या, अब दो ही दिन में क्यों जा रहे हैं वापस? हमें खचाक भचाक के घर में नहीं रहना है, जब तुम अपना घर लोगे तब आएंगे। बाबूजी आप खाम खा गुस्सा हो रहे हैं, वो ऐसे आदमी नहीं है। ए भैया बाबूजी को तो मत सिखाओ, दुनिया देखे और जो रह गया वो आज देख लिए। बाबूजी एक बात कहें, अब तो जहाँ ये है वही हमारी दुनिया है। सिर्फ अच्छे वक्त में साथ दिया तो का साथ दिया, तो आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिए कि जब आप अगली बारी आए तब हमारे घर में आए।
मतलब तुम नहीं चल रही हो। बाबूजी हम तो कहते हैं कि आप भी रुक जाइए, मदन भैया से हम बात कर लेंगे, वो आपसे माफी मांग लेंगे। कौनो जरूरत नहीं है, हमरा टिकट कटा दो, हम चले जाएंगे। अम्मा 2 दिन तो लगेंगे ना ट्रेन की टिकट में। और अगर 2 दिन में टिकट वा नहीं हुआ तो हम बिना रिजर्वेशन ही चले जाएंगे। लो टांगे यहाँ है तो ये भी यहीं होंगे। भाई साहब, मदन भाई साहब। मदन जी। हाँ। मदन जी। कौन है रे? मदन भैया किधर थे रात भर? बहुत पिंडक में था, टाइट था। तेरे बाप के पास जाता तो बहुत मचमच होती थी, गाड़ी में ही सो गया। अरे भड़क गए हैं, ऐसा क्या दिखा दिया आपने? अरे बैंड स्टैंड दिखाया और क्या दिखाया, सोचा बैंड स्टैंड थोड़ा आइटम दिखा, बुड्ढा थोड़ा मूड में आएगा, माहौल बना रहा था। बुड्ढा तो सटक गया मेरे प्यार, कमाल है यार। मंदिर दिखाने को बोला था ना मदन भैया भी ना, वो जा रहे हैं। अरे छोड़ना यार, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं? मेरा प्रॉब्लम मतलब? अबे तेरी अकल के दिए में घी काय को काम हो जाता है। हाँ देख, तेरा बुड्ढा तेरी बीवी इधर लेके आया ना, जब तक बुड्ढा इधर रहेगा फिर तुम लोग कैसे मिलेंगे? वो जाएगा तो ही मिल पाएंगे ना तुम लोग। लेकिन गुस्सा होकर जा रहे हैं मदन भैया। अरे मेरे से ना, तेरे से तो नहीं ना। अरे मेरे से तो पूरी दुनिया इस गुस्से में है, मैं तो हूँ आड़ा तेड़ा ऐसा। छोड़ना मेरी, ये देख अपन मेरी छोड़ रहे, टेंशन मत ले। मुझे अच्छा नहीं लग रहा भैया। अच्छा नहीं लग रहा? अबे अपनी बीवी की बाहों में जाएगा ना, गर्मी लगेगी ना, बेड़ो सबको अच्छा लगेगा। ए करीम, ए बुर लगा के चाय दे रे। अच्छा नहीं लगेगा बे साले। बाबूजी इतनी जल्दी जा रहे हैं, अभी तो पूरा मुंबई भी नहीं देखा आपने। एक चावल से परख लिया जाता है, हमें तो तुमसे मतलब है, तुमसे मिलने आए थे फिर आएंगे। ए भाऊजी, भाऊजी टिकट कंफर्म हो गई है, आ थोड़ा सीट आजू बाजू की है, मैनेज कर लेना। और भाऊजी गाँव जा रहे ले तो थोड़ा हंस के जाओ ना भाई। देखो तुम्हारी ये ठट्ठेबाजी हमें पसंद नहीं है। बाबूजी रहने दो ना, ये ऐसे आदमी नहीं है, छोड़िए ना आप बाबूजी। अरे मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। छोड़ना चिकने, आजकल बुड्ढे बुढ़िया को बैंड स्टैंड में घुमा रहेला। अरे आप क्या मर गए ले क्या? बताइए ये तरीका है बात करने का है? चलो देवकी की अम्मा चलो छुटकी। ए भाजी, अरे ऐसा बुरा नहीं मानेगा, मुंबई की स्टाइलिश ऐसी है, क्या बोलो? अरे भैया बुरी बात कहोगे तो अच्छा कैसे मानेंगे, बुजुर्गों का लिहाज ही नहीं है तुम्हें। क्या नहीं? इससे बात करना बेकार है, भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। पेपर वाला अम्मा जी आशीर्वाद दीजिए। देवकी के बाबूजी 100 रुपया तो दो। अभी लो, सबके सामने पैजामा खोल ले। मैं पागल हूँ का, जहाँ चाहे पैसा रखूँ। चल चलो सामान। अम्मा जी डिब्बे में खाना रख दिया है। अच्छा खुश चल छुटकी। आप बाबूजी की बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप तो जानते हैं ना इनको कितनी आदत है बकबक करने की। चलो अब चलती हूँ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अम्मा चलो। अम्मा पहुँचते ही मदन भैया के मोबाइल को फोन जरूर कर देना वहाँ से। अरे आग लगे मदन भैया के मोबाइल को। अरे तुम चलो अंदर आओ। चल छुटकी अंदर चल आ जाओ। आ भाई तेरी टेंशन तो निकल गई भाई। हाँ ये लोग गाँव गए बिड़ू, 2 दिन लगा पहुँचने में। अच्छा सुन एंजॉय एंजॉय कर लेना तू आराम से। हाँ अपन भी जा रहे अपनी चौबिया के बाद। हाँ भाई ठीक है। अरे ठीक है भाभी जा रहे मैं। चलो ठीक है हम भी खाना खाते हैं फिर सिनेमा विनेमा देखते हैं। और आज हम कोई रोमांटिक फिल्म देखने जाएंगे फिर खाना खाने जाएंगे और फिर आज तो हम खुश भी बहुत हैं, अगले 4 दिन ऑफिस जो बंद है। हमें ये सब ठीक नहीं लगता। अरे पागल, अभी तो मदन भैया भी 1-2 दिन बाहर रहेंगे। क्यों अब नहीं कहोगी कहीं बाबूजी ना आ जाए? अरे यार कहां बाबूजी आ गए का? नहीं नहीं खुशी के मारे हम पंखा बंद करना भूल गए। अब 2 मिनट रुको हम लपक के आते हैं। 2 मिनट। अरे ये कहाँ चली गई?
भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, आपने हमारी पत्नी देखी क्या? अरे यार, खुद की बीवी देखने का टाइम नहीं है, दूसरे की कहां से देखेंगे। कहां गई मिथिलेश जी? भाई साहब, क्या हुआ? आपने मेरी पत्नी देखी? यहीं खड़ी थी गुलाबी साड़ी में। भाग गई क्या? अरे क्या बात कर रहे हो? मुबारक हो आपकी बीवी भाग गई। आप लोगों का मजाक पूछ रहा है यहां? बीवी का भी किस्मत वाले हो, बहुत ही किस्मत वाले। मिथिलेश जी, हे पचुआ, हाँ तुम्हारी कह रही है, तुम अपनी मेहरारू को ढूंढ रहे हो कहा? तुम्हारी मेहरारू गुलाबी रंग की साड़ी पहने हुई है? हाँ, आपने देखा है? हुआ देखो, हुआ हुआ पुलिस वाले के गाड़ी आई रही, बार बार छापा मार के सब लड़की के गाड़ी में भरत रहे, और वही भरे मैया तो मेरी मेहरारू का कर तो मी। हाँ ठीक। अरे भैया एक मिनट। भैया कौन? जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ए अपन भैया भैया नहीं है, अपन का नाम है पांडुरंग के फाटक, इधर देख। जी फाटक नहीं, पाठक। ए फाटक, तेरे को समझता नहीं, फाटक फाटक बताए तेरे को, बता तेरा प्रॉब्लम क्या है। जी ये छापे में पकड़ी हुई लड़कियों को कहाँ ले जाते हैं? बड़ुआ है तू? जी। अरे आइटम वाइटम का चक्कर है क्या तेरा? अरे मैं समझा नहीं। अरे कौन है ये? चल बोल तेरा प्रॉब्लम क्या है। जी हमारी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश कुमार त्रिपाठी जी को पुलिस वाले गलती से पकड़ कर ले गए। कहाँ ले गए होंगे? किधर से? वनवा वहाँ खड़ी थी सामने, मतलब वर्सोवा में। अरे गजब कह रहे हो हवलदार जी, हम कह रहे हुआ सामने। अरे बाबा उधर वर्सोवा पुलिस स्टेशन लगता है। अरे जो कुछ भी है वो देखो, वो छोकरी लोगन को वहाँ से उठाया पुलिस ने और यहाँ ला करके वो वैनवा में डाला, मतलब डीएन नगर। अरे डीएन नगर कहाँ, हवलदार जी पेल रहे हो, हम यहाँ बता रहे हैं यहाँ से उठाया और यहाँ डाला। अरे बाबा उधर डीएन नगर पुलिस स्टेशन लगता है। भाई साहब, भाई साहब एक सेकंड, भाई साहब कहीं से भी ले गए होंगे लेकिन एक ही जगह ले गए होंगे ना उनको, प्लीज इतना बता दीजिए कहाँ ले गए होंगे। ज्यादा छोटा मत करना साहब, गजनी स्टाइल रखो मस्त लगेगा, अरे आजकल फैशन भी है। अबे गजनी का आइटम मर गया था इसलिए उसने बाल छोटे किए थे, अपना तो सभी आइटम जिंदा है टनाटन। साहब आपको कोई देवकी मिलना मांगता है? देवकी? हाँ। चमाइला नवी आइटम आ लिए लिस्ट में, देवकी बगुया। किधर? कौन? अरे वो देवकी नाम की आइटम, तूने बोला था ना मेरे से मिलना चाहती है। चाहती नहीं, चाहता हूँ। मेरा नाम देवकीनंदन त्रिपाठी है। क्या रे लड़कियों जैसा नाम रख के दुनिया को कंफ्यूज काय को कर रहे ले? क्या प्रॉब्लम है तेरा, बैठ। काय प्रॉब्लम आया है? जी हम मिथिलेश कुमार त्रिपाठी जी के लिए आए हैं। क्या मायला, अभी ये कौन सा नया टेंशन है रे? जी ये हमारी धर्मपत्नी का नाम है। यार तुम्हारे लोगों के नाम कौन रखता है रे? सारे लड़के का नाम लड़की जैसा, लड़की का नाम लड़के जैसा है? जी हम नाम के बहस में नहीं पढ़ना चाहते, आप गलती से हमारी पत्नी को उठा के ले आए यहाँ पे। ए मिथिलेश कुमार त्रिपाठी को हम कहाँ से लाए रे उठा के? जी ये क्या बताएंगे, हम आपको बताते हैं। आप उन्हें गलती से बुलबुल बार के सामने से उठा के ले आए हैं। भड़वा साला दल्ला, बीवी से धंधा करवाता है,
साला बार में नचवाता है उसको तो। सर सर आप गलत समझ रहे हैं, गलती आप कर रहे हैं और इल्जाम हम पर डाल रहे हैं। कब से चल रहा है तेरा ये, कितना कमीशन खाया तू अब तक धर्म पत्नी? सर ऐसी कोई बात नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। लो बोलो, माने गलत हम करे गलत हम समझे, ये हरिश्चंद्र की औलाद है साला, जा मैं तो डाल दूंगा अंदर भी, जा साला। टेंशन में पेडिक्योर भी नहीं हो पाया, जा रे। चाय लाए, ये क्या नौटंकी है रे रोने की? हाँ जी हम सच कह रहे हैं, कोई नौटंकी नहीं है, वो जो घूंघट में खड़ी है वही हमारी मिथिलेश जी हैं। तेरी वाली नहीं है धंधे का? नहीं, बाकी को देख कैसे सीना तान के खड़ी है, है? जी हम बाकियों को तो नहीं जानते, हमारी मिथिलेश जी नीचे खड़ी थी, हम जब पंखा बंद करके आए तो लोगों ने बताया कि आप उनको यहाँ पे ले आए हैं। अरे देवा, अभी क्या करने का है बोल। सर प्लीज मिथिलेश जी को छोड़ दीजिए। देख हमारा काम है पकड़ने का, छोड़ने का काम अदालत का, समझा? आज शुक्रवार है, हाँ अदालत मंगलवार को खुलेगा, उधर जाके बोलना छोड़ दे छोड़ दे। सर कोर्ट कचहरी, सर बहुत बदनामी होगी। अरे बेटा जब धंधा करवाता था बीवी से तब बदनामी नहीं होती थी? हाँ अरे अभी तो चार्जशीट भी नहीं बना है, अभी तो इल्जाम लगेंगे, धाराएं लगेगी, तू आया ना उसको छुड़ाने, मैं देखता हूँ तुझे छुड़ाने कौन आता है। सर बिना वजह मिथिलेश जी फंस रही है सर, सर वो तो 3 दिन पहले अभी आई है मुंबई, उससे 3 हफ्ते पहले तो हमारी शादी हुई है सर, प्लीज। इधर मैं बोलता हूँ, ये सारी लड़कियाँ 3 दिन पहले मुंबई आई है और ये सभी की तेरे साथ शादी हुई है, बोल चल साबित कर मैं गलत बोल रहा हूँ। सर आप तो झूठ बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ तू झूठ बोल रहा है, देख हमारे लिए बहुत आसान है, चार्जशीट बना कर ये साबित कर देते हैं, झमेला तेरा है कि ये मिथिलेश कुमार तेरी बीवी है, 3 हफ्ते पहले तुम्हारी शादी हुई है, गाँव से आई है, यार तो उसे भगा कर लाया है, ये तू साबित करेगा, समझा? अच्छा मुझे एक बात बता, तेरे पास कोई पासपोर्ट, मैरिड सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जिससे तू साबित कर सके कि तू तू है और वो है? सर ऐसा तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं है ना, हा? तो फिर भेजा नहीं खाने का, चल, चल। सुनिए तो भाई साहब ये सब हो गया आपके पीछे। मेरे को लगता है मुसीबत तेरे पास नहीं आती, तू इस मुसीबत के पास जाकर खड़ा हो जाता। अरे क्या जरूरत थी तेरे को उसको अकेला छोड़ने की, जब तेरे को मालूम है ना सोसाइटी में लोग बल्ब चोरी कर लेते हैं, अरे तो औरत को उठाने में पुलिस को कितना टाइम लगता है रे एड़े। भाई साहब अब जो हो गया हम उसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, अब तो बस ये सोचना है मिथिलेश जी को बचाएं कैसे। अरे तो इसीलिए तो अपन का सब इम्पोर्टेंट काम छोड़ के मैं तेरे साथ चल रहा हूँ मेरे भाई। चल अब मेरे को बता तू साला लफड़ा क्या है। ज्यादा शान पति नहीं चाहिए क्या, फटाफट अपना नाम और एड्रेस बोलने का, ए और अपना नाम बोलने का समझी? लाल वाले का नाम लिख तू। लाल वाले का नाम है जूली डिसोजा, अरे और ये ग्रीन वाले का नाम है। हेलो सब इंस्पेक्टर काले बोलते है। क्या हुआ काले ने सर, वो बोल रहा है कि सब इंस्पेक्टर काले क्यों है, एक भी गोरा नहीं है। सर ये नारंगी वाली का नाम क्या है? अरे मैं जिसके पास रेगुलर जाता है बाबा उसका ही नाम याद होता है ना। ये नहीं है, नहीं है रे तू? नहीं है। हाँ साहब मेरा नाम मीरा है। ये तो सीरियल वाली है ना? हाँ इसको सीरियल में देखा है मैंने। अच्छा ये तू एक्टिंग पार्ट टाइम कर दे कि डांस फुल टाइम? हाँ या डांस पार्ट टाइम और एक्टिंग फुल टाइम? अरे कुछ भी करो, ग्राहक तो इधर भी सेम है और उधर भी सेम है। ए गुलाबी तो फुल टाइम बीवी है कि पार्ट टाइम डांसर? कि पार्ट टाइम बीवी और फुल टाइम डांसर? डांसर झूठी लिखना है तो कुछ भी लिख दीजिए। साला रोड पे धंधा करते हुए शर्म नहीं आती है और इधर आके पुलिस को सच्चाई का पाठ पढ़ाएगी तू? सच्चाई का पाठ तो आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है ही। अब मैं किसी की चार्जशीट बनाऊं या ना बनाऊं लेकिन मैं तेरी चार्जशीट बनाऊंगा मिथिलेश कुमार त्रिपाठी पर, एकदम सच्ची चार्जशीट बनाऊंगा। काले डाल सबको अंदर। ए चल चल, ए लता आदगी आदगी, ए चले चलना, चल चल, ए गुलाबी बक्ते के चल। आज के बाद अगर तू इस एरिया में दिखा ना तो तुझे मैं लौंडा बना के छोड़ूंगा। अरे भाई साहब हुआ क्या, चलिए ना। अबे ये पूछ के क्या नहीं हुआ,
कसम से तेरी भी किस्मत ना ऐसी लफंडर है, तेरे को पक्का है तेरी बीवी इधर ही चाहे मिथिलेश। भाई साहब बीवी के मामले में क्यों झूठ बोलूंगा मैं? हाँ तो सर सुन ले, मुंबई का और कोई पुलिस स्टेशन होगा ना तो साले ऐसा 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 निकालता बाहर हो। वो खोटे ना हराम खोर की माँ का 36 काकड़ा है मेरा उसके साथ। अगर मेरे को देख लिया ना तेरे साथ तो मिथिलेश के साथ तू भी जमा हो जाएगा, अबे सड़ा देगा तेरे को अंदर वो। भाई साहब आप एकदम सच कह रहे हैं, बहुत ही कमीने हैं। मुझे भी बार बार भड़वा दल्ला कह रहे थे, बार बार सबूत लाने को कह रहे थे वो। अच्छा अरे फिक्र मत कर यार, कुछ और सोचेंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा साले के लिए। चल चल कुछ कर। जाने कौन से जन्म की सजा मिल रही है हमको तो बहुत डर लग रहा है। कुछ खा ले, सब ठीक हो जाएगा। बेचारी क्यों डाल दिए इसे यहाँ पर? तू सुनी नहीं, वो खोटे सबूत भी लाने को बोले हैं इस कमरत को। फिर? अरे हम है ना, तू टेंशन मत ले, हम बोलेंगे ना कोर्ट में कि तू अपने माफिक नहीं है। कोर्ट का चेहरे कितनी बदनामी की बात है। अरे अब उनको तो आदत है, पर तू तो पहली बार अटकी है ना, और वैसे भी आजकल तो मुंह ढककर लेकर जाते हैं ना कोर्ट में, और तेरे पास तो घूंघट भी है। तू चिंता मत कर, अपुन तेरे वास्ते दुआ मांगेगी। पता नहीं कैसे होगा ये सब। अरे क्या कह रहे हो जमाई बाबू, अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। मिथिलेश बहुत अच्छी लड़की थी। हेलो हेलो, हे भगवान, ये सुनने से पहले हमको उठा काए नहीं लिए। आप चिंता ना करें, उन्हें कुछ नहीं होगा। मिथिलेश जी को हम छुड़ा लेंगे। बाबू जी को बस इतना बोलना, पहुंचते ही तुरंत खचाक भैया के मोबाइल पर फोन करें और शादी की एल्बम लेकर आ जाएं। ठीक है। अरे कोनो मरी थोड़ी है, रो कह रहे हो तुम लोग? अरे वो कहा है कोनो बार बार का चक्कर है, पुलिस उसको पकड़ के ले गई है, और देवकी के बाबूजी आएंगे ना, तू एल्बम लेके सबूत के लिए जाना है मुंबई। चलो चलो यहाँ से चलो। क्या रे, तेरा लफड़ा सॉल्व हो गया क्या? खाली पीली जी, बहुत अच्छी बात है, आप खाली आप पीली, लेकिन आप हमें क्यों बता रही हैं? हम तो बस मिथिलेश जी से मिलने। आप हमें यहाँ से ले जाइए, ये लोग हमें यहाँ ले जाने किस मुसीबत में फंस गए। हम तो वहाँ पर सिर्फ खड़े रहकर देख रहे थे। मिथिलेश जी, हमारा तो मन कर रहा है आपको बहुत डांटे, काहे हमारा इंतजार नहीं किया? आप क्यों पुलिस वैन के पास चली गई? आपकी नहीं मानी तभी तो भुगत रहे, पर अब हमें यहाँ नहीं रहना, हमें यहाँ से ले चलिए। अब आप चिंता ना करें, हमें आपको बचाने के लिए जो पापड़ बेलना पड़े बेलेंगे। अब आप ए गुरुद्योग, पापड़ बाद में बेलना, पहले चक्की पीसना सीख ले, पहले सबूत लेके आने का, बाद में गुटरगू करने का। चल पहली बार किसी पति से मिल रहा हूँ जो अपनी बीवी के लिए परेशान है। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, अगर मेरी बीवी पुलिस में फंसती ना तो मैं जरा भी परेशान नहीं होता, उल्टा वो लोग परेशान होते, मुझे ढूंढते और मेरी बीवी को घर तक पहुंचा देते, फ्री होम डिलीवरी। अरे चुना वाला, तू किधर अपना केस खोल के बैठ गया? इसकी बीवी फंसी ली है, उसको निकालने का सोचना। सर प्लीज सर, मिथिलेश जी के लिए कुछ करिए ना। करना क्या है, छुड़ा देते, लेकिन बाद में मत कहना कि वापस वहीं डलवा दो। इन औरतों का क्या भरोसा भाई? समझ गया तेरा प्रॉब्लम, तेरी बीवी ने तेरी बहुत लगाई ली है इसीलिए तो इतना परेशान है बेटा। देखो भाई, अब बीवी साथ में रहकर परेशान करे या दूर रहकर परेशान करे, काम तो एक ही करती है ना, परेशान करना। सर मिथिलेश जी एकदम ऐसी नहीं है, आप उनको इस बातचीत में मत शामिल कीजिए। भाई तुम्हें एक बात बताओ, तुम लाखों में वो एक हो जो बीवी की वजह से नहीं बीवी के लिए परेशान हो, तुम्हारा क्या होगा यार? चलो अब मदन के साथ आए हो तो तुम्हारे लिए कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन मदन एक शर्त पर, मेरी परेशानी के बारे में बाहर जाकर किसी को बताना नहीं है। ससुराल
बहुत थकान हो गई। लाओ सामान निकालो। क्या हुआ, चार दिन में इतने याद आ गए? कोनो बात नहीं। अरे भैया, हम तुम्हारे लिए थोड़े ना आंसू बहा रहे हैं, तू तो अपनी मिथिलेश हुआ। अरे जब बिटिया को विदा किए रहे तब भी इतना नहीं रोए हैं? अब काहे फड़फड़ा रहे हो? तुहार मिथिलेश हुआ ठीक है, हमार बबुआ के साथ में है। अरे बबुआ का फोन आवारा भाई। ए संधि, बात को रबड़ मत करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। अरे जब माई बाबू का फोन आवा रहा, कहते रहे कि जैसे बाबूजी पहुंचे उनको बोलना कौनो घचाक के मोबाइल पे फोन कर ले। तब तो देवकी के बाबूजी मरते मर जाएंगे, लेकिन खचकवा को फोन नहीं करेंगे। शट अप रहो। अरे मरे इनके दुश्मन, पहले पूछता ला फोन करके। चला चलिए ना। अच्छा देखो, आप सब लोग गवाह हैं, हम खचाक को फोन मजबूरी में कर रहे हैं, खुशी से नहीं। हेलो, हम संकटाप्रसाद त्रिपाठी बात कर रहे हैं। अरे बाबूजी, अरे क्या तुम पहुंच गया क्या गाँव? ए ये तू तड़ाक से बात करना हमको कतई पसंद नहीं है। देवकी को फोन दो। अरे देवकी घर पे है, वो मिथिलेश को बहुत मिस कर रहा, बहुत उदास है बेचारा। रामखोर कहाँ आवारा गर्दी कर रहे हो, देवकी से बात अर्जेंट है। ए बाबूजी, इधर बहुत मचमच हो गया, बोले तो बहुत टेंशन हो गया है। पुलिस आके मिथिलेश को उठा के लेके के लिए। वो बोल रहे कोई शादी का सबूत उबूत चाहिए, सबूत मिले ना तो ही छोड़ेंगे उसको। अरे शादी अपने आप में सबूत है। अरे लेकिन वो हरामखोर नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूँ? गाली गलौज मत करो, हरामखोर कौन? अरे तुम्हारे को थोड़े हरामखोर मैं बोल रहा हूँ, खोटे को बोल रहा हूँ। एक तो तुम लोग बहुत शाणे बनते, ए तुम लोग की शादी मैं कराता हूँ, मैं बाप हूँ, इसकी माँ की इसकी जिंदगी हराम कर दी तुम लोग ने, अभी भुगत तुम लोग। मुझे मत समझाओ ज्यादा, करना क्या है? करना क्या है, गांव वालों को सबको उठा के ट्रेन में डाल के सबको मुंबई लेके आओ। मंगलवार तक अगर मिथिलेश कोर्ट में गई और तुम लोग सबूत लेके नहीं आए तो उधर ही जमा होंगी, फिर जिंदगी और पछताएंगे, सब शानपति निकल जाएंगे। हाँ तुमसे अच्छी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। अरे तो तुम्हारे से कौन सी अच्छी बात की उम्मीद करता हूँ, खाली शानपति का। अरे चलना, बहुत ही इसकी माँ की देड़े आदमी कसम से। क्या हुआ बताते हैं आओ। ये अरे कहा है भैया, इतने रात को काहे परेशान कर रहे हो हमें? अरे गांव की बहू बेटी की इज्जत का सवाल है, चलो मुंबई। अरे मुंबई का छंगा की मिठाई की दुकान है का, कि इधर से निकले और मुंबई पहुंच गए? अरे भैया जगह चाहे नरक में हो, अब अपनी बिटिया को बचाने खातिर जाने तो पड़बे करेगा ना। देखो दुबे जी, हमरो मुंबई जाने की इच्छा है पर अपने धर्म पत्नी के साथ। अरे तो पूरे खानदान को ले लो साथ में, चलो। अरे हम लोग ले चलो, हमारे झोला झंकर तैयार है। तुम्हारी उम्र शमशान जाने की है, मुंबई नहीं, पड़े रहो यहाँ। अरे हटो, हम आएंगे भैया, मिथिलेशा को भी छुड़ा लेंगे, लगे हाथ रेखा से ही मिल लेंगे। लेकिन वो जट्टों से पाला पड़ा है, सबको अपने अपने मतलब की पड़ी है। सही कह रहे। तुम भी तो अपना मतलब देख रहे हो ना, हाँ। जब काम पड़ा तभी तो हम सबको ले जा रहे हो। अभी तो अकेले गए थे ना, काहे नहीं सबको लेके गए? अरे भैया लड़ो झगड़ो मत, बहू बेटी की इज्जत का सवाल है, जाना तो पड़बे करेगा, समझे कि नहीं? सिस्टम से हर चीज हो ना तो प्रॉब्लम ही क्या है। हमको भी बाबा किसी को पकड़ना अच्छा नहीं लगता है। हाँ माने? हाँ सर। छोड़ दो रेशमा और रानी को, आइए। थैंक यू। क्या बात, जाओ। क्या बात है खोटी साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्या बात है साहब, आज यहाँ कहाँ रास्ता भूल गए? नहीं नहीं, ऐसे ही बस दर्शन करने आ गए। वो क्या है कि हमारे इन साहब की बीवी गलती से आपके लॉकअप तक पहुंच गई है। यारे इतने बड़े साहब को रात को परेशान करने को लेके आया? अरे साहब परेशान तो ये बेचारा है, बाय गॉड बीवी के लिए परेशान पति जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। अरे परेशान तो इसने हमको भी करके रखा है, बोलते बिना सबूत के छोड़ दो। अब बीवी उसका है या नहीं है ये भी हमको पता नहीं है, और साहब ड्यूटी पर ऐसे कैसे छोड़ दे, दो दिन से घूम रहा है, एक भी सबूत ला के दिया तो नहीं ना, अब आप बोलो क्या करें। बात तो सही है साहब, लेकिन गांव वाँव में कहाँ होता है सबूत, कह दिया और कर ली शादी। अब कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही, आप अगर चाहें तो। एक रास्ता है चुनावला साहब, क्या है कि 162 CRPC के तहत ये लड़की का स्टेटमेंट लेकर उसे नारी सुधार गृह में भेज देता हूँ, और फिर वहां से उसको कोर्ट में लेकर जाएंगे मजिस्ट्रेट के सामने, वहां 164 CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, बराबर है, और बाद में वो छूट जाएगी, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन कोर्ट में जाना पक्का है। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए, कोर्ट कचहरी बहुत बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अबे सर बाबूजी आ रहे हैं सबूत लेके, शादी की फोटो लेके, मदन भैया गए हैं उनको लेने।
कौन भैया? वो हमारे ताऊ जी के लड़के मदन गुप्ता भैया, वो ला रहे हैं सबको। ठीक है, तब तक साहब को भी रेस्ट करने दो और मैं भी जरा फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है सर, मिथिलेश जी से मिलने दीजिए ना प्लीज। सबूत मिलने के बाद। ठीक है, कोई बात नहीं, बाबूजी के आने तक का वेट करते हैं। चलो। जाओ, ये खोटे का पुलिस स्टेशन, जाके छुड़ा लो अपनी बहू। अरे तुम चुप रहो, तुम तो कुछ छुपा नहीं पाए, हम कर लेंगे जो करना है। चलो भाई, ये सबूत वाला बक्सा यही है, उतार नीचे। वाह रेखा रानी वाह, 50-55 की हो गई हो, दादी अम्मा केदार कर रही हो, लेकिन आज भी रानी गजब की दिखती हो, गजब की। वाह क्या बात है, रेखा को पोस्टर से निकालने नहीं, बहू को जेल से छुड़ाने आए हैं। चलिए यहाँ देखो, वहाँ शुरू हो जाता है। अरे अंदर किधर घुसे जा रहा है? इधर घुसे जा रहे हैं? हाँ। इतना दूर से आ रहे हैं, न पड़ाम न पलक दी, सीधा किधर घुसे जा रहे हैं? हाँ। यही तमीज सीखे हो, जिंदगी भर गेट पे खड़े रह जाओगे हवलदार बन के। अरे अरे रुको रुको रुको, ए कहां घुसे चले जा रहे हो? अरे ये रेलवे स्टेशन है। अरे बकलोल, रेलवे स्टेशन से तो हम आ रहे हैं, ये खोटे साहब कौन है? खोटे 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 तेरी तो वाह। अबे शांति 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 शांति, ये खोटे खोटे क्या चिल्ला रहे हैं? और कौन हो तुम लोग? हमारा नाम संकटाप्रसाद त्रिपाठी है बाबूजी। तो नाम चला भलाई कहीं का, एक बीवी संभाली नहीं जाती तुझसे। चुप, ये सब इमोशनल ड्रामा घर पे जाके करने का, समझा? तू सबूत लाया क्या? सबूत ला। ये तरीका है क्या बात करने का? सबूत लाया क्या? हमारे यहाँ बोलते हैं सबूत लाए हैं क्या? और क्या? अबे ये तमीज की कमीज, पूरी की पूरी फाड़ दूंगा। सबूत लाया क्या? अभी देते हैं सबूत। समझी जी यहाँ आवा, मिथिलेश की अम्मा, देवकी की अम्मा यहाँ। चलो 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 हटो यहाँ से। लो ये है सबूत, ये मिथिलेश की अम्मा, ये देवकी की अम्मा, और ये है हमार समधी। तू सबूत लाया है? सबूत ला। अरे ला भाई, ये क्या आइटम है यार? सबूत है सर। अरे सबूत, माँ का तेल है ये तेल कहाँ से आया? चार का डब्बा खुल गया का? तुम साले क्या सब दिमाग से खाली हो क्या? क्या है ये लड़की की शक्ल कहाँ दिख रही है? ये तो हर फोटोग्राफ में घूंघट ही घूंघट है। अरे इंस्पेक्टर जी, हमारे गांव देहात में ब्याह घूंघट निकाल के ही होता है, आपके शहर जैसा बेशर्मों की तरह नहीं, घूंघट उठा के। ये देखो, ये भैया यही वो चुन्नी है जिसे पहनकर मिथिलेश्वर की शादी हुई थी। यही सीधा खड़ा रहे, सीधा खड़ा रहे। ये लग रही है ना तुम्हारी बहू? लेके जा, जा रहे, जा रहे। क्या बकवास कर रहे हो? हम बहू बेटी की बात कर रहे हैं, आपको ठट्ठा सूझ रहा है? अरे ठट्ठा क्या क्या माइला, ये सबूत है क्या? साला कानून को मजाक समझा क्या? ए तू पंडित है ना? तेरे पास लाइसेंस है क्या तेरी पंडिताई का? चल दिखा दो। ये तेरा बेटा है ना, तेरे पास सबूत है क्या बाप होने का? चल ला सबूत ला। बाप होने का सबूत देना पड़ेगा? देवकी की अम्मा देखो कितना बड़ा लांछन। अबे लांछन क्या, अभी तो खाली सबूत मांगे, सारे सवाल के जवाब मांगे तो सबकी धोती ढीली हो जाएगी। साले ढंग का मेरिट सर्टिफिकेट मांगा वो भी नहीं ला सके। चल निकलो निकलो, सबूत लेकर आओ तो सबको अंदर कर दूंगा। निकलो, चलो निकलो। अरे पंडित जल्दी निकल, दाव दो बैठे का। अरे भैया निकला जल्दी, यही गड़बड़ा जाई सब। अरे छंगा भैया, हमके जाए दे, हमके बहुत बड़ा कर रहा इंस्पेक्टर है साला, सीधे सीधे सुनाई दे। अरे फोटो भी देख लीस, ओके बात कहते हैं कि फोटो में घूंघट है, तुत पोंगरा कहीं का। तुम लोग भी ना एड़े, अरे काय को करते बच्चों की लाइफ के साथ ऐसा, कोर्ट मैरिज करा देते सब खत्म हो जाता मामला। तुम चुप रहो, समझदार लोगों के बीच बेवकूफी की बात मत किया करो। अरे वाह बहुत समझदार ना तुम लोग, बहुत शाने तुम लोग। अरे वाट लगा दी सबकी और मेरी भी साथ में, समझदार। मदन भाई साहब क्या है, जरा एक सेकंड चलो ना बाहर।
अरे पंडितवा निकल, शांति रखो भैया, निकल रहे दावा खा तो का। तेरे गांव वाले कितना हकते हुए, अब छोड़ो ना, क्यों आप बाबूजी के पीछे पड़े रहते हैं? सच्ची बोलू ना, तेरे साथ मेरे को बहुत सिंपैथी हो रही है। अरे ऐसी फैमिली में जो बच्चा पैदा हुआ ना होता है ऐसे ही मर जाए साला। छोड़ो ना मदन भैया, अब हमें कुछ करना पड़ेगा, वरना वो खोटे है ना हमारी वाट लगा देगा। वाट मुन्ना सीख गया, बोल बटन चालू, आता आता आता, मेरी स्कूलिंग चालू हो गई वाट बोल। मदन भैया, लेकिन इससे मिथिलेश जी निकल थोड़े ही जाएंगे। अरे मेरा भाई, उम्मीद तो बढ़ती है ना, तू फिकर मत कर, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भैया, हाँ वहाँ नीचे भी गंदा है, वहाँ कौन धोएगा? आए आए सिंपल लेके मारो। ए शाणे, अगर हमारी बिटिया ना मिली ना समझी जी, तो सुना है यही बगल में कब्रिस्तान है, वहीं जाकर के खुदे दफन हो जाएंगे। हाँ और मिट्टी कम पड़े तो हम डाल देंगे। ससुर हम कोशिश कर तो रहे हैं, हम नहीं छूट रही तो क्या करें, कूद पड़े कुएं में। और ये रोना धोना हमका पसंद नहीं है, वहां जाके बैठो वहां। ये कैसे काट रहे हो? जरा तरीके से काटो, मक्खन की तरह काटो जरा। आओ तुम ही काटो। ख्वाब तेरे यार मेरे पूरे हो जाएंगे, हो जा खड़ा इसी जगह, तारे हाथ आएंगे, मिट जाएंगे हम अगर हो हौसला, बन जाएंगे हम सिकंदर, जीत जाएंगे, खुद अपनी तकदीर को चुनना, खुद अपनी तकदीर को चुनना। गया है अपना मुन्ना, सीख गया है अपना मुन्ना। हीरो को बोल चली, नहीं नौटंकी नहीं है, माँ की ममता है, संभाले नहीं संभाल रही। भगवान कर्म करेगा तुझ पे रे, आए मैं बाहरी जाऊं तेरे मेरी जान, आए मेरे शाहरुख खान, आए मेरे चिकन। हटो हटो, पूरी बात बताओ, पंगा क्या है? अरे भाई आप कौन कौन है यहाँ? बुलाओ सबको, बुलाओ इधर। मैं सब इंस्पेक्टर काले हूँ। हाँ। आप तो अकेले हैं, बाकी सब इंस्पेक्टर कहाँ हैं? अरे सब इंस्पेक्टर मेरा पोस्ट है, बात बताओ क्या है? आपने भारतीय संस्कृति के बारे में सुना है? हाँ, सुना है। सुना है ना? हाँ, हाँ तो देखिए, लड़का लड़की के विवाह के बाद लड़का लड़की को एक महीने के अंदर सत्यनारायण की कथा सुननी पड़ती है। ये सत्यनारायण कौन है? मेरे मामा। अरे बाबूजी छोड़िए प्लीज, इन्हें कुछ नहीं मालूम, जाने दीजिए। ए ऐसी बहुत कथाएं सुनिए, करना क्या है बोलो? कुछ नहीं करना भैया, बस दोनों को बैठा के कथा सुननी। हाँ। नहीं तो शादी के मायने ही बिगड़ जाएंगे भैया, शादी शादी ही नहीं रहेगी। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से कोई किधर नहीं जाएगा। नहीं नहीं, अरे अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं सुनेंगे। हा? आप भी सुन लीजिए ना। और भैया दरवाजा वजा बंद कर लो जरा। अरे ताई खोटे सबको पता चल जाएगा तो मेरी वाट लग जाएगी। नहीं नहीं, अरे अरे आप खोटे जी के लिए काम करते हैं सरकार के लिए? नहीं नहीं, लेकिन उनको पूछना तो पड़ेगा ना। अरे तो एक महीने बाद पूछोगे? नहीं, अरे फोन करके पूछो ना। पूछते पूछते मेरे फोन से कर लीजिए। आपका फोन नहीं उठाएंगे। हाँ?
मेरा फोन उठाएंगे। नहीं उठा रहे। वो चोंगे से करो ना। चोंगा? वो उधर लैंड फोन। चोंगा बोलते हैं इसको। लगा ना? लगा लगा। अरे भैया तुम लोगों के फोन के चक्कर में टाइम निकला जा रहा है। हवलदार जी जरा खोल दो दरवाजा। हाँ, वो दरवाजा खोलो। ये दरवाजा बंद। चंगा दरवाजे से चिपक के खड़ा रहे बस। क्या बदतमीजी है? सॉरी सॉरी। तेरी वाली है मेरे को पता है। चलो पहले की शुरू करिए। शुरू करिए। मिटवा इधर बैठो। यहाँ बैठो। अरे अरे क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं हो रहा। आप लगे रहो भैया। चलो जल्दी करो पंडित जी। हम कुछ शुरू करो। पुष्पम 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 पुष्पम। नहीं उठा रहे। कोई बात सत्यनारायण जी आ गए। सत्यनारायण जी आ गए। आप बैठिए आशीर्वाद लीजिए। देखिए जो भी हो रहा है आपकी निगरानी में हो रहा है। कोई कहीं नहीं जा रहा है। वो दरवाजा भी बंद। रेखा आगे। क्या देख रहे ला? सेम सिस्टम है। नल बाजार। ओम गणानंद गणपति वामहि निधिनांत निधिपति वामहि। आजा इसका चाबी बनाने का। आजा। हाँ सर। आप गाड़ी छोड़कर कहाँ चले गए सर? कोई हराम कोट साला चाबी। सब अच्छे से निपट गया। ले आ गए। नमस्कार। ये क्या हो रहा है काले? सब कुछ अच्छे से संपन्न हुआ। आपको विलंब हुआ सर। छोटी सी पूजा रखी थी। आपको 6 बार फोन किया आपने फोन ही नहीं उठाया। अरे मैं दौड़ भाग में बिजी था। लेकिन ये हो क्या रहा है यहाँ पे? शादी हुई है। फिक्र मत कीजिए सब कुछ मेरी मौजूदगी में हुआ है। ये शादी कानूनन हुई है। हाँ सर। काले ये शादी? क्या मायला पुलिस स्टेशन में शादी? बस साहब देखिए पंडित जी वकील साहब दिखाइए। ये हमारा रजिस्ट्रेशन। ये रहे डॉक्यूमेंट्स और ये फोटोग्राफिक एविडेंस। ये सब सबूत हैं। हो गई तसल्ली? असबूत के चक्कर में बेशर्मी से सर खुला के ब्याह हुआ है। अरे काले क्या किया है? कुछ नहीं सर, सब कुछ मेरे आंखों के सामने हुआ। किसी को बाहर जाने नहीं दिया। आप कहो तो अंदर डाल दूं? क्या क्या रे निपट गया ना सब शांति से। अरे खुद से ये तेरा हो रहा है सर। हां तू कैसे जानते बे इसको? अरे साहब आप उनका छोटा भाई आज के लिए तब हम दौड़ खेला है तब हम दौड़ खेला है। तो बुरखे में तू था साले। इतना प्लानिंग करके मेरे को एक काले डाल दे सबको। एक मिनट सर, किस जुर्म में? अपनी पत्नी साबित करने के जुर्म में? खून चोरी डकैती क्या किया है हमने? किस जुर्म में? आपने कहा था सबूत लाओ, तो आप क्या फिर सबूत लाने के जुर्म में? ये क्या तरीका है रे सबूत लाने का? तो सर आप बिना किसी से कुछ पूछे समझे जाने जेल में डाल दें, वही तरीका है? सर हम लोग बहुत छोटे शहर से आते हैं, आपके शहर के तरीके नहीं समझते। हम अपनी जिंदगी इमोशन से जीते हैं, लॉजिक से नहीं। लेकिन सर आपने ये हमें जरूर सिखा दिया कि शादी ब्याह पेपर पर होना बहुत जरूरी है। शुक्रिया खोटे जी।
लेकिन सर उससे ज्यादा हम अम्मा बाबूजी मदन भैया सब लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारी मुसीबत में हमारी मदद की है। सर ये सारे रिश्ते पेपर पे होना हो हमारे दिलों में पलते हैं। लेकिन खोटे जी हम आपसे एकदम नाराज नहीं है, आपने एकदम ठीक किया, आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई। लेकिन खोटे जी आपने ड्यूटी निभाई और हमने अपने रिश्ते निभाए। इतना इमोशनल बात करेगा ना तो मैं कभी भी किसी भी क्रिमिनल को पकड़ नहीं पाएगा। एक बात बता, ये सबूत जुटाने का ये तिकड़म तेरे को कहाँ से सूझा रहे? ये देखिए, लोग अगर पानी के अंदर शादी कर सकते हैं, हवा में शादी कर सकते हैं तो पुलिस स्टेशन में काहे नहीं? अब जाएं। अरे जाओ नहीं तो नया केस बना के ठोक दूंगा। जाओ चलो जा रहा है। अरे काहे रोक रहे हैं, ये हमारा बहुत बढ़िया बबुआ है, बहुत काम का है, बहुत बढ़िया काम किया है। थैंक यू, टेक केयर। अरे तुम कौन सी मिट्टी का वनेला भाई, कैसा आदमी तू? एक बात बताओ, बैंड स्टैंड हम केवल हम और आप जा सकते हैं? अरे तो फिर चलो ना, चलो। सर आपने उनको आसानी से जाने दिया? अरे छूटना तो वैसे भी था, साले इतने गांव वाले इतना सबूत कोर्ट में क्या घंटा बजाते हम। लेकिन एक बात का उनको पता चल गया, अब उनके गांव में कोई बिना पेपर के शादी नहीं करेगा। लेकिन सर ड्यूटी पे किसी बुरखे वाले के पीछे भागना, आप तो ऐसे थे नहीं। वो बुरखे वाले ने तेरी बेवकूफी साबित कर दी कि तू जिंदगी भर है ना सब इंस्पेक्टर ही रहेगा, समझा? चल कोना पकड़, कोना पकड़। ओके सर। मिथिलेश जी, इतनी छोटी सी दूरी तय करने का रास्ता कितना लंबा था। अनभला तो सब भला। अम्मा बाबूजी पहुंच गए होंगे? पहुंच ही जाएंगे, इतना खर्चा करके एसी थीटर में जो भेजा है, लेकिन आराम से तो जाएंगे इतनी भाग दौड़ के बाद। आपसे एक बात पूछे? पूछो। आप महीने में कितना कमा लेते होंगे जी? टीडीएस काट के 12,500। हम जब वहाँ थे ना, वहाँ जो लड़कियाँ थी वो सिर्फ नाच के एक दिन में 10-15,000 रुपए कमा लेती थी। गाँव में सब कहते हैं कि हम भी बड़ा अच्छा नाचते हैं, और बुलबुल बार तो बिल्कुल नीचे ही है। आप कहे तो एकदम चुप, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खोटे को हम कभी भूल पाएंगे? भगवान बचाए हमें ऐसे लोगों से। अब कौन आ गया? मदन भैया तो घर देखने गए थे अपने लिए, इतनी जल्दी आ गए? देखिए, हम देखते हैं। आप का देवकी नंदन त्रिपाठी है? अच्छा सुहाग दिन मना रहा है। अच्छा चल, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। घर के पेपर दिखा। सर पेपर्स? तू रह रहा है ना यहाँ पे? हाँ। तो कोई पेपर होगा ना तेरे पर, ये लिव इन लाइसेंस, ओनरशिप या जो भी कुछ। मेरे को खबर मिला है ये घर कब्जे का है, समझा? तो पेपर दिखा, सबूत ला। मिथिलेश जी रास्ता फिर बहुत लंबा हो गया है। कभी पंजे सारे बस यही कहते थे, बुद्धि के सारे गंजे एक साथ ही रहते थे। कभी शब्द कभी पंजे सारे बस यही कहते थे, बुद्धि के सारे गंजे एक साथ ही रहते थे। खुदा बुदा है जब बंदे में, अरे कहाँ ना कहाँ तो तू धंधे में, अरे जुल्म का मन तू जरा आसमां पे नूने है गुन्ना, घर गए ना घाट के मुन्ना,
मुन्ना रे मुन्ना रे मुन्ना घर के न घाट के मुन्ना भंगड़ा करू है क्या करू हो गया मैं दीवाना भक्त है जिगर आजा इधर गाए इधर ये गाना कहाँ है कल की फिकर किसका अरे अभी बज का दर देख तो अरे डीजे है यार अपना लाजमा पे नून है गुन्ना घर के ना घाट के मुन्ना मुन्ना रे मुन्ना रे मुन्ना घर के ना घाट के मुन्ना लक्की टगर दिल का नगर हाई पे जज्बातों का आता है नहीं सिग्नल नजर डर है अब घाटों का भूलेगा रस्तों मेरे में अरे चाचू निकल न सवेरे में अरे जब टूटे सपना आसमां पे नून है गुन्ना घर के ना घाट के मुन्ना मुन्ना रे मुन्ना रे मुन्ना घर के ना घाट के मुन्ना आसमां पे नून है गुन्ना घर के ना घाट के मुन्ना मुन्ना रे मुन्ना रे मुन्ना घर के ना घाट के मुन्ना